ओला मनी भी पोस्ट पे लिमिट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ओला मनी को यूज़ किया है। आप बिना ओला राइड के भी ओला मनी यूज़ कर सकते हैं, ओला मनी पोस्ट पेड। तो ओला मनी पोस्ट पेड प्लस किस तरह से आप यूज़ करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने ओला मनी पोस्ट पेड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओला मनी की तरफ से सभी को, लगभग सभी को पोस्ट पेड प्लस लिमिट प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 2000 रुपये की लिमिट मिली है, जिसमें से मैंने 1021 रुपये यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो यूज़ कहाँ पर किए हैं और किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक ओला मनी पोस्ट पे का लिमिट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस करके बताया है कि किस तरह से आप ओला मनी, ओला पोस्ट पेड प्लस के लिए अप्लाई करेंगे और किस तरह से आप ओला पोस्ट पे को यूज़ करेंगे। इसमें आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसको अमाउंट को यूज़ कर पाएंगे। ओला मनी आमतौर पर ओला राइड के लिए ही यूज़ का ऑप्शन देता है, लेकिन फिर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं दूसरे हम अपने काम के लिए भी। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। ओला पोस्ट पेड प्लस यूज़ करने का ऑप्शन हमें अनेक सारी एप्लीकेशन के पेमेंट मेथड में देखने को मिलता है। जैसे कुछ दिनों पहले मैं अपना मनी टैप एप्लीकेशन का लोन ईएमआई भर रहा था। मनी टैप लोन एप्लीकेशन के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। और ओला मनी का ये ड्यू क्लियर कैसे करेंगे ये भी मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि मनी व्यू का जब मैं लोन पे कर रहा था, ईएमआई पे कर रहा था, तब मुझे वहाँ ओला पे का ऑप्शन दिखाई दिया, ओला पोस्ट पे का। तो वहाँ से मैंने क्लिक करके ओटीपी के जरिए ओला पे को यूज़ कर लिया। इस तरह से आप भी अनेक सारी पेमेंट एप्लीकेशन या लोन एप्लीकेशन का ड्यू क्लियर करके, ईएमआई पे करके ओला मनी पोस्ट पे प्लस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मनी टैप लोन एप्लीकेशन की ईएमआई क्लियर करके बता देता हूँ। ये मनी टैप लोन एप्लीकेशन है, इसके रिपेमेंट ऑप्शन में जाएंगे और ईएमआई क्लियर करेंगे। कंटिन्यू टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपये की मेरी ईएमआई आ चुकी है और मैं ईएमआई को पे कर रहा हूँ। और ओला पे के थ्रू मैं आपको पे करके दिखाऊंगा। सिंपली कंटिन्यू करेंगे और ये हमें पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने अनेक सारे ऑप्शन आते हैं, कार्ड, यूपीआई, अनेक सारे यूपीआई हैं, उसके बाद नेट बैंकिंग और नीचे वॉलेट का ऑप्शन है। वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थर्ड नंबर पर हमें ऑप्शन मिल जाता है ओला मनी पोस्ट पे प्लस वॉलेट, यानी आपके ओला मनी की वॉलेट में जो अमाउंट है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट पे में जो बैलेंस है उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओला मनी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया था कि वॉलेट के अंदर बैलेंस नहीं हो तब ऑटोमेटिकली पोस्ट पे यूज़ होता है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फिर से कंटिन्यू। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कन्वर्सली फ़ीस यहाँ पर लगती हैं, कन्वर्सरी फ़ीस लगती हैं और जीएसटी भी लगती हैं, वो सब के अंदर हैं। कंटिन्यू करेंगे, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा रोजर पे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे और ये हमें लेकर जाएगा, सिंपली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ओला पे पोस्ट पे के ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर हमारे ऊपर शो कर रहे हैं, ओटीपी आएगी, ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड पे होते ही रिडायरेक्ट यू टू मर्चेंट वेबसाइट और यहाँ से ये हमारा पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। पेमेंट सक्सेसफुल रिडायरेक्ट हो चुके हैं वापस मनी टैप लोन एप्लीकेशन के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 है। ड्यू डेट अभी अगले मंथ की 5 तारीख को आ चुकी है। पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल आ चुका है, 1000 रुपये की ईएमआई हमारी पे हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप भी अपने ओला पोस्ट पे प्लस का अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, ओला पोस्ट पे प्लस की लिमिट यूज़ कर सकते हैं। बाकी और कहीं पर भी आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से आप एक दूसरे का आपस में पेमेंट करके ही ओला पोस्ट पे प्लस लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओला राइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ओला राइड पर ज़्यादा यूज़ नहीं होने के कारण आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट सेक्शन में पेमेंट करके ओला मनी पोस्ट पेड प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की हेल्पफुल और फाइनेंशियल वीडियो हमेशा देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।